अस्सलामुअलैकुम। हाय माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपकी? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। और मैं बना रही थी लंच, तो मैंने कहा चले मैं व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपसे अपना लंच शेयर करने की, और ये वीकेंड में था, वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा हम लोग एहतमाम कर लेते हैं, बाकी डेज़ में तो कोशिश करती हूँ कि, लेकिन ये है कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं हो पाता क्योंकि बच्चों के क्लासेस साथ होते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा मैं आज थोड़ा सा लंच आपके साथ शेयर करूं और फुल डे रूटीन शेयर करने की कोशिश करूंगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और बस ये मैं काट रही थी बीन्स, और इसे मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाना है, और इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसे बॉईल करना है, और ये मैंने रख दिया है पैन। और अब चलते हैं लंच की प्रिपरेशन करने, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू जिसने ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो डेली रूटीन का व्लॉग, मुझे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप डेली रूटीन का व्लॉग डाला करें, तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि डेली रूटीन का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन स्कूल टाइम्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो बस ये हमारी बीन्स बॉयल हो गई थी, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ओवरकुक नहीं करना, बस इसे निकाल देना और थोड़ा सा इसे कूल कर लेना है, और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते चलती हूँ। और ये बना रही थी मैं पुलाव, बिल्कुल प्लेन पुलाव है कलर वाला, तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही इसकी बनाऊँगी मैं मुर्ग छोले, जो पाकिस्तान की फेमस ग्रेवी है। तो बस आगे का वीडियो आपको दिखाते चलती हूँ। वीडियो चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया था, अब इसमें अपने ऐड कर देंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में नॉर्मल से स्पाइसेस मैंने लिए हैं जो हम लोग हर ग्रेवी में डालते हैं, और मैंने कोई भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं किया। वो इसलिए यूज़ नहीं किया कि मैं वैसे भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, रेयर यूज़ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम स्पाइसेस ऐड करूँ अपने खानों में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा स्पाइसेस। बस हमारा चिकन अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिक पीस मैंने बॉयल कर लिया था, और अच्छी तरह से ये कुक था, और बस इसे थोड़ा सा लगा दूंगी प्रेशर। इसलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ कि इसमें ना थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएगा, और साथ ही ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। बस ऐड कर दिया सॉल्ट, सॉल्ट मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करती हूँ, और अब इसमें ऐड कर देंगे अपनी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतना पानी, और इसे मैंने लगा दिया प्रेशर, और ये हमारा ज़बरदस्त यमी सा पुलाव रेडी हो गया है। और ये देखें बहुत अच्छा बनता है, तो बस बिल्कुल सादा सा पुलाव है। तो बस मैं ज़्यादा इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मटर का क्या होता है, जब मैं मटर पुलाव बनाती हूँ तो बच्चे कुछ लोग मतलब मटर निकाल देते हैं, नहीं खाते, तो ये सब लोग खा लेते हैं। तो बस ये देखें थोड़े से बर्तन थे उसे वॉश करने थे, और साथ ही चिकन आ गया था, तो मैंने सोचा मैं उसको भी वॉश करके साइड पर कर देती हूँ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, साथ ही मेरे फेसबुक पेज भी फॉलो करें, और आप लोग भी अपना मुझे बता दिया करें कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ आपको फॉलो कर लूँगी और कोशिश करूँगी फॉलो कर लूँगी। और इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने नहीं मैसेज देखा होगा इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है मैं हर बंदे को रिप्लाई दूँ, क्योंकि आप लोग मुझे टाइम निकाल के कमेंट्स करते हैं, मेरी बहुत बड़ी बात है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई दूँ, और जिसको नहीं दिया उसको ज़रूर लेट ही दूँगी, लेकिन ज़रूर दूँगी। कमेंट सेक्शन में बताया करें आप मुझे कि मतलब आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो बस आप एक मैसेज ज़रूर दे दिया करें। फेसबुक पेज भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पर सेम नेम से मेरा पेज है, और साथ ही मेरे दूसरा चैनल पर भी काफ़ी यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं, जिसने मुझे ज्वाइन किया हुआ है तो वो मुझे जानते हैं, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ।
और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा कोऑपरेट करने के लिए, और आप लोग मुझे इतना समझते हैं, इतना केयर करते हैं और इतनी सारी चीज़ें मुझे पूछते हैं। तो अब वॉश कर लेते हैं चिकन। और बस अब खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, और साथ ही मैंने बनानी थी बीन्स। बीन्स के लिए मैंने रोस्टेड कर ली थी सनसन सीड, और इसके बाद फिर मैंने इसे अच्छी तरह से, इसमें ही मैंने थोड़ा सा क्रश किया था क्योंकि इसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, थोड़ा सा मोटा चाहिए कि ये दिखाई दे हमारे बीन्स में दिखे। तो बस ये करने के बाद आ गया था बीच में मास, और मास जब आता है तो हर चीज़ देखता है कि क्या बन रहा है खाने में, क्या कुक हो रहा है। तो बस अब ये दिया था मैंने बटर, आप ऑयल में बना सकते हैं इसे, बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी लेकिन बेहद हेल्दी है, तो बच्चों को भी दें और ख़ुद भी खाएं। और बीन्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमने ये इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होता है। मुझे तो मसाले वाले स्पाइसेस वाले से ज़्यादा अच्छा ये लगता है, आप दाल राइस के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। बस इसमें मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड किया और साथ ही हाफ लेमन का जूस ऐड किया है और ऐड कर दिया अपनी सैमसम सीड्स। बस इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है, और बस ये थोड़ा सा फ्राई होगा बटर में, हम इसमें अपनी सिमसम सीड ऐड करके इसे सर्व कर लेंगे। तो ये रेसिपी भी आपके लिए न्यू होगी तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब ये देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है, और बहुत फ्रेश बहुत अच्छा बनता है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही हमारे मूंग छोले भी रेडी हो गए, यानी कि चिकन विथ चिक पीस। तो बस ये हमारा लंच रेडी हो गया, अब हम लोग लंच करेंगे, और काश मैं आपको टेस्ट करा पाती, तो बहुत अच्छा बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूंग छोले बहुत अच्छा बनता है और ये फ्राइड बीन्स भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग करने लगे थे लंच। मास को खाना खिलाने में मैं बिल्कुल भी नहीं खिलाती, लेकिन मास को समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब वो कुछ लैपटॉप या मोबाइल या कुछ भी इस तरह का देखता है ना, तो वो खाने पे तवज्जो बहुत कम कर देता है, खाने को इग्नोर करने लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके साथ ही इसे खाना खिलाऊँ, और ऐसा ही मैं करती हूँ, और ये ख़ुद भी खाना खा लेता है, लेकिन समटाइम्स रहता है ये मोबाइल और इन सब चीज़ों के चक्कर में ये खाना खाने का बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। तो बस आज का वीडियो मेरे यहीं तक था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच, कितने अच्छे आप लोग कॉमेंट्स मुझे करते हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएँ दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतने सारे प्यार के लिए और इतने सारे अच्छे कॉमेंट के लिए।
और मेरे चैनल पर अभी तक माशाल्लाह से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं सब बहुत पॉजिटिविटी लेकर आते हैं मेरे चैनल पर, बिल्कुल भी मैस्कुलेट नहीं करते। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके बिना ये जर्नी मुमकिन नहीं थी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।